दादा पाटिल ने जो अमेठी के डर के बारे में बात की, अंग्रेजी का अल्फाबेट देखें तो ए फॉर अमेठी, बी फॉर बारामती होता है। तो एक वैशिष्ट्य सांगतो, पक्ष सांगेल जिथे जाऊन निवडणूक लढवतात। दादा हे जरा गप्पीशी तुम्ही तसे जा, तुम्ही पक्ष सांगेल तशी निवडणूक लढव। एक बात तो आज तय हो गई कि जब युद्ध की भूमि ऐसी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस मंच पर आज हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी ने बहन के साथ थोड़ी चतुराई की। दीदी बोलकर अपने आप को युवा नेता की श्रेणी में शामिल कर लिया। मैं सोच रही थी कि ये प्रभाव किसका है, फिर पलट कर देखा कि बापट साहब साथ ही बैठे हैं। और मेरा जो महाराष्ट्र के संगठन में 22 साल का अनुभव है, उस अनुभव के चलते मैं जानती थी कि जब बापट साहब भाषण दे रहे हों तो एक एक शब्द सुनना चाहिए। शब्दों के कुछ आगे जाकर बापट साहब ने आज मुझसे संकेत में कहा कि स्मृति यहां आई और उसने कहा, और बापट साहब आपकी उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूं कि दादा पाटिल ने जो अमेठी के डर के बारे में बात की, अंग्रेजी का अल्फाबेट देखें तो ए फॉर अमेठी, बी फॉर बारामती होता है। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि अध्यक्ष जगदीश जी ने मुझे वायनाड पहुंचाने की भी व्यवस्था कर रखी है। मेरे पीछे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा उमाताई विद्यमान है। आज मेरा ये अभिमान है कि जिस पुस्तक के संदर्भ में मैं आप सबसे संवाद करने आई हूं, उसका अनुवाद दो महिलाओं ने किया है। और खापरेताई की उपस्थिति में ज्योत्सनाताई और प्राचीताई के इस काम की सराहना करते हुए बापट साहेब की अपेक्षा, जगदीश भाई के घोषणा और दादा पाटिल जी का जो संकेत है, उसके बीच एक बात तो आज तय हो गई है कि जब युद्ध की भूमि ऐसी हो, जब सारे दुश्मन एकजुट हो जाएं, तब आज भी शक्ति को बुलाया जाता है लड़ने के लिए।